आई टेक डेट ऑफ बर्थ ऑफ पूजा, समवन विद द नेम पूजा। पूजा जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अनम्यूट, एक बार अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी पूजा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए, आपका डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस होगा यहाँ पे। पूजा जी प्लीज। ओके सर, हाँ जी आवाज आ रही है पूजा जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, आप? मैं भी अच्छा हूँ पूजा जी। हाँ जी बताइए, आप किस मंशा से आई हैं, क्या पूछने के लिए आई हैं, प्लीज मुझे बताइए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 7/7/1991 है। 7/7/1991 है, तो ये तो रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज लाती है ऐसी डेट ऑफ बर्थ तो। हाँ सर, बहुत ला रही है मेरे रिलेशनशिप में। हाँ वो ये एकदम डेट ऑफ बर्थ से क्लिक हो रहा है कि रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज लगते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये मतलब होता है ना कि एकदम नंबर्स खुद ही बोल देते हैं कि हम कि हमारे अंदर ये इशू है। तो अब आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है बताइए मुझे। सर मैरिड लाइफ। अच्छा मैरिड लाइफ ही आपका मेन क्वेश्चन है। हाँ सर, ओके ओके चलिए उस पर आगे हम बात करेंगे, एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो उसके अलावा कोई करियर का भी इशू है या हेल्थ का भी इशू है कुछ? हाँ सर, हेल्थ का भी बहुत इश्यू है। हाँ क्योंकि ये आपके देखिए ना, मैं पहले भी ये बात बोलता आया हूँ कि मल्टीपल सेवन के केस के अंदर हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली होते हैं, और आपका किंग भी सेवन है, क्वीन भी सेवन है, चार्ट में भी जो है 3 बार 7 आता है ना, एक हाँ दो सर, चलो 4 बार ही लिख लीजिए, इसको भी लिख रहा हूँ वैसे 3 बार ही लिखते हैं जनरली, ठीक है। और अब जो है 99 और 11 इस तरह का आपका चार्ट बनता है ना। अगर मैं आपका यहाँ पे हाँ। वैदिक ग्रेड भी बना दूं, आपको वैदिक ग्रेड बनाना आता है? नहीं सर, आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, ऐसे बनेगा आपका वैदिक ग्रेड। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, और ये काट रहा हूं मैं, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, कुछ इस तरह का आपका ग्रिड बनेगा अगर वैदिक ग्रिड में बनाऊंगा, ठीक है। ओके। तो हाँ अब कहने का मतलब यह है कि आपको जो है मेन जो है वो हेल्थ के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, और जो है वो रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, तो यानी कि आप बात को कंफर्म हो पा रही है, ठीक है। तो आपको हाँ इसके लिए अच्छा, और फाइनेंस आप प्रोफेशनली भी कुछ करना चाह रहे हैं? सर, नहीं अभी तक मैंने तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया था, पर कोई ऐसे रिप्लाई तो नहीं आया अभी तक। मैं कर रही हूँ। देखिए गवर्नमेंट जॉब के चांस तो हैं आपके, आप मेरे कहने पे ना अपनी कलाई पे 8 नंबर भी लिख सकते हैं, 8 नंबर से भी आपको फायदा होगा, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं, क्योंकि किंग और क्वीन हाँ आपका साथ साथ है ना, हाँ लिमिटेड टाइम के लिए आप 8 नंबर लिख सकते हो अपनी कलाई पे। एक चीज मैं बोलूंगा, आपका ना नाम भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ है, ऐसा समझ आ रहा है नाम आपका। हाँ आपका पूरा नाम क्या है? सर, मैरिड हस्बैंड का नाम या ऐसे फादर का नाम? मतलब जो भी आपका सरनेम आप आज की डेट में यूज कर रहे हैं प्लीज बता दीजिए। पूजा राहुल चाबुकस्वर। पूजा राहुल। अच्छा आप मेरे कहने पे एक काम करेंगी प्लीज, आप हाँ सर, ना सिर्फ पूजा यूज करिए अभी के लिए, सिर्फ पूजा यूज करिए, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट नेम यूज करिए, ओके पिछला नेम अभी यूज मत करिए, ठीक है। सिर्फ ओके पहले सर, नाम को यूज करिए, पिछला नाम सब छोड़ दीजिए। आपका पहला नाम जो कहीं ना कहीं वो सिंक है पूरे नाम के चक्कर में, और कुछ मतलब आपका पूरा वो होगा, लेकिन सिर्फ अगर आप हाँ फर्स्ट नेम भी यूज करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। ओके इसके सर, अलावा आपको क्या करना है, आपको जो है वो कुत्ते को जो है वो रेगुलरली जो है वो फीड कराना है, मतलब आप उसको भीगी हुई ब्रेड दे सकते हैं दूध में, या डेफिनेटली जो है कुत्ते को कोई मिल्क की आइटम दे सकते हैं, लेकिन उसको डेफिनेटली आपको फीड करना है। अगर ब्लैक डॉग मिल पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भी आपको ओके जो है वो करना है, ठीक है। दूसरा ओके इसके सर, इसमें ये की चीज मैटर करती है कि जो क्या कहते हैं सिल्वर की वॉच है ना, सिल्वर कलर की वॉच, वो आप जरूर पहनो, हाँ और आपको चूंकि रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज है तो आप व्हाइट कलर के डायल वाली वॉच पहन सकते हो, व्हाइट या ब्लू, ब्लू ब्लू ओके या सर, ब्लू या इंडिगो जो है आप वॉच पहन सकते हो। सो ब्लू या इंडिगो कलर की आप वॉच पहनो जिसका डायल ब्लू या इंडिगो हो, और आपकी जो वॉच है वो मेटेलिक वॉच होनी हाँ चाहिए सिल्वर कलर की, ठीक है। ओके सर, अच्छा ऐसा है, तो उसके अलावा आप सिल्वर सिल्वर का कोई प्योर सिल्वर, जो प्योर सिल्वर आता है उसकी आइटम गले में पहनो, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। तो प्योर सिल्वर की आइटम ओके आपको गले में पहननी है, और इंडिगो कलर की वॉच पहननी है जिसका डायल इंडिगो कलर का हो, और मेटेलिक कलर की वॉच हो, सिल्वर मेटेलिक, तो सिल्वर ओके मेटेलिक सर, वॉच होना चाहिए, और डायल का अंदर वाला जो कलर है वो ब्लू होना चाहिए, ठीक है। और ओके ये ओके आपको सर, राइट हैंड में पहननी है, लेफ्ट हैंड में गलती से भी नहीं पहननी। आई एम अगेन रिपीटिंग, आपको लेफ्ट हैंड में नहीं पहननी, राइट हैंड के अंदर पहननी है, ठीक है, ओके स्पेसिफिकली सर, फॉर योर डेट ऑफ बर्थ जो मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। इसके हाँ अलावा आप एक रुद्राक्ष पहनेंगे मेरे कहने पर, रुद्राक्ष भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। कोई पंचमुखी रुद्राक्ष ले लीजिएगा, या किसी अच्छी जगह से ओके कोई रुद्राक्ष ले लीजिएगा, अगर नहीं वेंटर मिल रहा हो तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके सर,
एटलीस्ट ये आपको करना है। तो रुद्राक्ष मैंने बोला है, कुत्ते को भीगी हुई ब्रेड खिलाने के लिए बोला है मैंने आपको, और सिल्वर का पहनने के लिए बोला है, और मेटेलिक वॉच जिसका ब्लू कलर का या इंडिगो कलर का डायल हो मैंने आपको वो पहनने के लिए बोला है, वो भी राइट हैंड के अंदर, ठीक है, ये आपको मैंने बोला। और इसके अलावा आपका जो नाम है वो सिर्फ फर्स्ट नेम यूज करना है, फुल नेम नहीं यूज करना। सर जितनी ऐसे भी फॉर्म में सर ऐसे फॉर्म में पूजा सिर्फ लिखना है या पूरा नेम लिखना है फॉर्म या किसी फिलअप करेंगे तो? नहीं, वहां पे आप पूरा नाम लिखिए, अनऑफिशियली हाँ आप हाँ जहां भी यूज करते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस के हाँ हाँ ऊपर, फेसबुक साइन के ऊपर, वगैरह, साइन साइन हाँ वगैरह होता है साइन सिर्फ पूजा? साइन, हाँ साइन भी करिए, और साइन हमेशा ऊपर की तरफ करिए, ऐसे ऊपर की तरफ, ओके सर, ठीक हाँ है। हाँ लेकिन आप सिर्फ पूजा यूज करना चालू करिए, इससे आपको बेनिफिट पक्का होगा, 100% होगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। और बाई हाथ में वो आपने क्या बोला था? बाएं हाथ के लिए, राइट हैंड के, एट मैं नंबर, हाँ वो 8 नंबर मैंने सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए बोला था, बट लिमिटेड टाइम के लिए बोला है, दैट इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग एंटिटी। जब तक आप ओके प्रैक्टिस कर ओके, रहे हैं या कुछ बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, तब उस दिन आप हाँ हाँ लेफ्ट कलाई में आप 8 नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। ओके तो सर, ये मैंने कई सारी चीजें आपको बता दी हैं, और आप कुछ दिन के लिए आप कोशिश करिए कि आप ग्रीन कलर का ज्यादा यूज करिए, और आप जो है वो ग्रीन कलर का अगर 5 नंबर जेब में रख पाते हैं कुछ तो वो रख लीजिए, नहीं तो कोई बेसिकली ग्रीन एवेंचुराइन भी आप पहन सकते हैं, वो एक अच्छा ब्रेसलेट है ग्रीन एवेंचुराइन, वो भी आपको हेल्प आउट करेगा। ओके ओके या फिर आप जो भी आप अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ना, वो ग्रीन कलर के पेन से करिए, वो भी आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेगा, ठीक है। सर, तो ये सारी चीजें आप करो, मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, बिकॉज आई थॉट यू आर इन टेंशन, दैट्स व्हाई आई टोल्ड सो मेनी थिंग्स, है ना। और एक चीज मैं हाँ आपको बताता हूँ, 7-7 है ना, यानी कि आपका 14, 4, 5, 5, ये वाला साल ना आपके लिए फिर भी लकी है, मतलब ये साल जो है डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी या नया करने को मिलेगा। क्या आपका बेबी है कोई, क्या आपका कोई नहीं इशू है? नहीं अच्छा, नहीं तो नहीं इशू नहीं है। इस साल जो है ना वो होने के भी जो है बहुत प्रबल चांसेस हैं। तो अगर आप उस तरफ से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं, तो दिस ईयर विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर कंसीविंग द किड, वो भी आपके चार्ट से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, इफ इफ यू आर इन विलिंगनेस टू डू दैट, है ना। ओके सर, आपके, मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके हस्बैंड के चार्ट नंबर्स कुछ ना कुछ एंटी है, एक बार आप अपने डेट ऑफ बर्थ बताएंगे प्लीज इनका, अगर आप, हस्बैंड हाँ के सर, जी, इफ यू आर कंफर्टेबल इनफ। 15/1/1988। 15/1/1988, हाँ जी, बट स्टिल ही हैज अ गुड नंबर, आई थिंक स्टिल ही हैज अ गुड नंबर, उनके नंबर्स फिर भी अच्छे हैं, दो यू आर हाँ फेसिंग इश्यूज, बट ही हैज अ गुड नंबर। सो यू ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन योर नेचर, दैट दैट व्हाट आई कैन सी, आपको अपने नेचर पे भी काम करना होगा कुछ, है ना पूजा जी, ओके, हाँ दैट ऑल्सो आई कैन सी। चलिए ठीक है, इतना सब आप करिए, इन रेमेडी से आपको डेफिनेट फायदा होगा, और ये साल आपके लिए न्यू लर्निंग या न्यू चीजों का है, या फिर किड का भी है, किड भी इस साल जो है वो कंसीव होने के चांस हैं, तो उसके ऊपर भी आप एक ध्यान दे सकते हो। एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जाना चाह रहे हो, तो दिस ईयर इज ऑल्सो गुड ईयर फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पहली बार आए हैं इसमें सेशन में, हाँ, चलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आते रहिए, ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू सर। चलिए, ओके, ठीक है। एंड आई टोल्ड सो मेनी थिंग्स टू पूजा, जनरली आई इतना सारा पॉसिबल नहीं हो पाता बनाना बताना, बट समहाउ आई कुड एबल टू गेट लॉट ऑफ थिंग्स टुडे, आई कुड एबल टू टेल हिज नेम, नाम क्या रखना है, उनको बहुत सारी रेमेडीज बताई, ये साल उनका कैसे जाने वाला है ये बताया। अभी एक चीज, आप जितने भी लोग हैं, 470 480 जितने भी लोग हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई कपल होता है ना, तो क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, एक टाइम पर किड को जो है ना वो डिले करते हैं, मैंने ऐसा देखा, और फिर एक टाइम आता है जब किड होता ही नहीं है। तो हमें न्यूमरोलॉजी की मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि उसको राइट टाइम पे वो किड के लिए ट्राई कर ले, उससे क्या होता है ना, उससे ये होता है कि वो टाइम मिस नहीं करता। सो एक टाइम नेचर आपको देना चाह रही है, आप नहीं ले रहे हो, एक टाइम नेचर ही आपको देना नहीं चाह रही है। तो आपको ये करना है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कपल आए जो कि जिनकी मैरिज हुई है बट अभी बेबी नहीं है, तो यू क्विकली चेक उसकी डेट ऑफ बर्थ एंड टेल देम कि दिस दिस इज अ राइट टाइम गाइस, सो प्लीज ट्राई दिस टाइम, दिस इज अ राइट टाइम। तो ये इतनी मदद से आप ये बता सकते हो, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन 7 to 8 minutes। सो सी, अगर कोई बंदा पूरी तरह से इस पे काम करे, तो 7-8 मिनट में क्या बताया जा सकता है, इट इज अ काइंड ऑफ अ वंडर्स, है ना। और जब इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया था, तो मैंने पहली बात इनको ये बोली थी, अभी 500 बंदों के वेबिनार में पहली बात मैंने डेट ऑफ बर्थ से ये बोली कि आपको रिलेशनशिप और हेल्थ का कुछ ना कुछ हो सकता है इशू, और उन्होंने वो कंफर्म कर दिया। तो दैट्स हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स गाइस, इतना जबरदस्त न्यूमरोलॉजी का विज्ञान है, एंड हैट्स ऑफ टू दिस साइंस। जुड़े रहिए, आगे बात करेंगे अभी, चलिए, हाँ जी, अब हम लोग बात करने वाले हैं पेंस के बारे में, कि पेंस क्या दर्शाते हैं, ये हम लोग बात करने वाले हैं, और एक डेट ऑफ बर्थ आई विल ट्राई टू टेक अप इट इन एंड, वी विल सी कैसे जाता है एंड में, विल सी कि वो डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं कैसे लेते हैं। तो अभी अगर मान लीजिए ये जो है 492, बेसिकली 492 जो है, अगर ये आपके चार्ट में पूरा हो रहा है, तो आपका मेंटल प्लेन पूरा हो रहा है,
प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अगर आपका मेंटल प्लेन पूरा हो रहा है, बिकॉज आई विल ट्राई टू डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दिस मेंटल प्लेन. प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए एक बार, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जिसका मेंटल प्लेन पूरा हो रहा है. हाँ जी, हाँ जी, ओके. प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए.